वेलकम टेन अकेडमी, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। स्पेशल सीरीज राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज एक और नई स्कीम लेकर के आए हैं, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जब इसमें मातृत्व मैटरनिटी की बात हो रही है तो उन माताओं के लिए है जो अभी नए नए बेबीज को बर्थ दिया है या प्रेग्नेंट है, उन महिलाओं के लिए स्कीम है राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम्स इंपॉर्टेंट है राजस्थान के एग्जाम्स के लिए, सो इन स्कीम्स से क्वेश्चंस भी जनरेट होते हैं, तो इन स्कीम्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। आप अगर पहली बार आए चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और प्लीज शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और आखिर तक वीडियो को जरूर देखें बिकॉज हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आखिरी में पूरी वीडियो में जो पढ़ाया गया उसका थोड़ा सा कंक्लूजन किया जाता है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई थी। चार डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई है, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चार डिस्ट्रिक्ट में की गई है। ठीक है, और 19 नवंबर 2020 को इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम वाज स्टार्टेड फ्रॉम 19 नवंबर 2020 इन प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान बजट 2022-23 मई इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की घोषणा की गई थी। मई के मंथ में 2022-23 का जो बजट प्रेजेंट किया था अशोक गहलोत जी ने, उसमें पूरे राजस्थान में स्टार्ट करने का इसका बजट रखा गया था, उसमें बजट में अनाउंसमेंट कर दी गई थी। राजस्थान बजट 2022-23 में दिस स्कीम मई नहीं है मे है मे इन राजस्थान बजट 2023 दिस स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द एंटायर स्टेट। जो 2022-23 का बजट प्रेजेंट किया था अशोक गहलोत जी ने फरवरी के मंथ में, उस बजट में पूरे राजस्थान में इस स्कीम को, कौन सी स्कीम है, मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी आई एम मातृत्व पोषण योजना स्कीम को पूरे हिंदुस्तान में जो है इसको लॉन्च कर दिया गया था। आई एम नहीं है, सिर्फ इंदिरा गांधी आई जी मातृत्व पोषण योजना IGMPY। ठीक है, इसको पूरे स्टेट राजस्थान के पूरे 33 जिलों में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा बिकॉज आने वाले टाइम में नया बजट आने वाला है 23-24 का। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 3 वर्ष तक बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उन या स्तनपान करवाती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं और 3 वर्ष तक के बच्चों को उनके स्वास्थ्य में अच्छा बेनिफिट होने के लिए और उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, पोषण, अच्छा पोषण मिल सके उनको। द एम टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 3 ईयर्स ऑफ द एज। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में 6,000 सीधे खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। पांच चरणों में 6,000 × 5 तो मतलब टोटल कितने हो गए, 30,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे जो बच्चे को जन्म देगी महिला उसको। अंडर दिस ऑन द बर्थ ऑफ द सेकेंड चाइल्ड 6,000 रुपीज इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी इन द 5 स्टेजेस। मतलब 5 महीने तक 6,000 रुपए उसके अकाउंट में आते रहेंगे ताकि उसको अच्छा पोषण मिल सके। द राजस्थान इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम फेज 1 वॉज लॉन्च इन द 4 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हुज नेम आर मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ ट्राइबल एरिया है तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ सबसे ज्यादा ट्राइब्स जो है इसी एरियाज में रहती हैं। दीज 4 डिस्ट्रिक्ट वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द रैंकिंग ऑफ द मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स। इनको भी सिलेक्ट इसके थ्रू किया गया है कि रैंकिंग के थ्रू किया गया है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ कितने बच्चों की कहाँ ज्यादा डेथ हो रही है और महिलाओं की कहाँ ज्यादा डेथ हो रही है उसके अकॉर्डिंग इन डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया गया है। ये इसका कुछ प्रेजेंटेशन कुछ इस वे में थी इसकी, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण हेतु वित्तीय सहायता एक नजर में। ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से रीड कर सकते हैं IGMPY स्कीम। ठीक है, पूरा प्रोसेस इसमें बताया गया है और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ। ठीक है, शुभारंभ किया गया, इसके मंत्री कौन है ये आप मेरे को बताओ, किस मंत्री के अंदर आता है ये। ठीक है, 4 TSQ जिले उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगर, प्रतापगढ़ में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा जो कि 2022-23 के जो बजट है उसमें अनाउंस कर दिया गया है कि पूरे राज्य में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्रतिवर्ष 77,000 से अधिक महिलाएं होंगी लाभान्वित। टोटल कितने टारगेट रखा गई है, 77,000 हर साल 77,000 वुमेन्स को टारगेट करेंगे जो अभी नए नए बच्चों को जन्म दिया है उन महिलाओं को। योजना के शुभारंभ अवसर पर चारों जिलों की 2-2 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 1,000 रुपए के चेक दिए गए। अभी स्टार्टिंग में उनको क्या दिया गया, 1,000 रुपए के चेक प्रेजेंट किए गए दिए गए और बाद में क्या दिया जाएगा, दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए 5 किस्तों में दिए जाएंगे, 6,000 रुपए करके टोटल 30,000 रुपए दिए जाएंगे।
ठीक है, 6,000 की 5 किस्त दी जाएंगी। 19 नवंबर 2020 को ये स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, तो ये थी अपनी IGMPY, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना, थैंक यू।